दोस्तों अगर आप एक अकाउंटेंट हो या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी इंस्टीट्यूट से आप टैली प्राइम जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो आपको टैली सॉफ्टवेयर के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी जरूर सीखना होगा, क्योंकि एज अकाउंटेंट का जो काम है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सारे काम नहीं करके देता, उसके साथ साथ हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी सारा जरूरी होता है, क्योंकि लगभग काम हमारा जितना टैली सॉफ्टवेयर के अंदर में यूज करते हैं उतना ही हम एज ए अकाउंटिंग पर्पज से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी यूज करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी एक अकाउंटेंट लोग एवरेज फॉर्मूला का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहता भी आपको कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए, अगर आपको कंप्लीट आता है तो बहुत अच्छी बात है, जितना नॉलेज आपके पास है उतना कम है, लेकिन आपको एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे रहते हुए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। जैसा कि बेसिक के अंदर आपको जोड़ करने के फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला, परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एवरेज करने का फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूले आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फॉर्मूला सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आपको एज ए अकाउंटेंट लोग जो बेसिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्सेल को बेसिक शुरुआत से किस प्रकार से हम सीख सकते हैं सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों प्रैक्टिकल डाटा के साथ हम सीखेंगे भी एज ए अकाउंटेंट जो एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। वैसे तो एवरेज फॉर्मूला की ज़रूरत हर जगह पड़ती है एक्सेल के अंदर, लेकिन अकाउंटेंट लोग कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं वो सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हैं और आप अकाउंट्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आप एक्सेल का बेसिक नॉलेज सीख पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले हम एज एवरेज फॉर्मूला यूज़ करने से पहले एवरेज का मतलब समझ लेते हैं कि एवरेज हम किसको बोलते हैं। तो दोस्तों सिंपल भाषा के अंदर हम एवरेज बोलते हैं भी, जैसा अगर आपके पास बाइक है, यानी कि बाइक हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपने बोला भी मेरी गाड़ी ने 100 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और मेरी गाड़ी के ने 5 लीटर है जो फ्यूल कंज्यूम किया है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 100 किलोमीटर तो आपकी गाड़ी चली है और 5 लीटर का फ्यूल पेट्रोल डीजल है वो कंज्यूम किया है। तो अगर हम निकालें भी आपकी गाड़ी ने 1 किलोमीटर के अंदर कितना फ्यूल कंज्यूम करती है, तो इसका हम क्या करते हैं भी आपकी जितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है 100 और कितना फ्यूल कंज्यूम किया है उसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। तो जैसा हम कह सकते हैं भी 1 लीटर के अंदर हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है। तो इस तरीके को हमने एज ए एवरेज मान लेते हैं भी हमारी गाड़ी 20 की एवरेज देती है। तो ये सिंपल भाषा में हम इसी को कह सकते हैं, ये आपने 20 जो आंसर आया ये आपका एज ए एवरेज का फॉर्मूला है, ये आपकी 20 की एवरेज आई है। तो ये सिंपल तरीका था। अब हम इसको सीखते हैं एज ए अकाउंटेंट की नज़र से भी अकाउंटेंट का काम एवरेज फॉर्मूला का क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपके पास पूरे साल का डाटा है, पूरे साल का डाटा का मतलब अप्रैल से लेके और मार्च तक का, और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये डाटा कुछ लिखा हुआ है सेल का। अब इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, आप देख सकते हो अभी आपकी अप्रैल मंथ के अंदर ये सेल रही है, मई मंथ के अंदर ये सेल रही है, जून मंथ के अंदर ये सेल रही है, जुलाई के अंदर, और इसी तरीके से टोटल 12 मंथ की सेल आपकी ये आपने मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम एवरेज इसका हम ये निकाल के देखते हैं भी हमने, ये तो हमारी टोटल सेल आ जाएगी अगर हम इसको काउंट करेंगे, तो हम आपको मैं सम फॉर्मूला भी यूज़ करके बताने वाला हूँ भी हम सम फॉर्मूला किस प्रकार के करेंगे, यानी कि हम टोटल 12 महीने की सेल को अगर जोड़ का टोटल लगाएंगे तो उसका हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भी अगर 12 मंथ की सेल आपकी आती है तो पर मंथ की एवरेज सेल आपकी क्या रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। अब टोटल करने का तरीका आपको अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले आप जैसे कि मान लीजिए आपने इसको टोटल 12 सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑटो सम का। आप ऑटो सम पर क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा सम का। तो जैसे आप सम पर क्लिक करोगे तो आपने देखा भी यहाँ पर इसकी ये इसका टोटल है जो आ चुका है, ये इसका टोटल आ गया। एक तरीका तो आपने यहाँ पर इस तरीके से निकाल दिया। दूसरा तरीका ये है भी आप यहाँ पर
सेल पर कर्सर ले आइएगा और एल्ट बटन के साथ आप प्लस के बटन को दबा दीजिए, यानी कि इक्वल का जो हमारे बैक स्पेस के बटन के पास में होता है कीबोर्ड के अंदर, एल्ट बटन आपको प्रेस करके रखना है और देन आपको ये इक्वल का हम बराबर का जो निशान है यानी कि बराबर और प्लस दोनों जो बटन एक साथ वाले उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। तो उसके दौरान हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो टोटल है वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो, बराबर सम बी टू से लेके बी 13 तक, यानी कि आपका जो डाटा है वो बी टू से लेके बी थ्री तक का ये सम करेगा यानी कि जोड़ करेगा, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। तो यानी कि ये जो सेल आपके पास आई है ये आपकी 12 मंथ की सेल है। अब आपको किसी ने ये बोल दिया भी आपकी टोटल 12 मंथ की ये टोटल सेल है आपकी पूरे साल की, तो आपकी पर मंथ की एवरेज क्या रही है, तो पर मंथ एवरेज हम क्या करेंगे, अब एवरेज किस प्रकार से निकालेंगे, तो यानी कि ये हमारी 12 महीनों की सेल है। अगर आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपको पर मंथ की सेल पूछा जा सकता है या फिर एवरेज के रूप के अंदर आपको पर डे की सेल पूछी जा सकती है, तो हम दोनों तरीका का हम यूज करेंगे। पहले हम यहां पर लिखते हैं भी पर मंथ और फिर हम निकालेंगे पर डेज। तो अब पर मंथ के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी सेल आई है, अब पर मंथ का मतलब आ गया 12 महीने, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से जितनी हमारी टोटल टर्नओवर है, तो इक्वल का हम निशान दबाएंगे, उसका आप एवरेज लिख भी सकते हो और हम उसको बराबर का सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप चाहो तो एवरेज भी लिख सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे आप एवरेज करोगे ना तो आपके एक्सेल कुछ एवरेज से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो यहाँ पर लिख देगा। तो हम इसको सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, एवरेज को, जैसे कि हमने एवरेज डबल क्लिक कर दिया। अब उसके बाद आपको करना क्या होगा, जितनी आपका टर्नओवर था जिसका टोटल आया था उसको आपको क्लिक कर देना है, यानी कि उसको सेल को सिलेक्ट करना है, डिवाइड बाई 12, यानी कि ये 12 मंथों की सेल है। तो जैसे हम इसको 12 डिवाइड करेंगे तो ये आपकी सेल आ गई पर मंथ की, यानी कि 67,205 रुपये और 83 आपकी पर मंथ की सेल होती है टोटल सेल के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से आप मान लीजिए आपको बोला जाए भी पर डेज की सेल कितनी आ गई, तो अब पर डेज के लिए आपके पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, एक तो आपके पास आ गया ये टोटल 365 दिनों का और ये आ गया आपके पास में 30 डेज का। तो अब 30 डेज जरूरी नहीं है भी पर मंथ के अंदर 30 डेज ही हो, कोई मंथ ऐसा होता है भी 30 का, कोई 31 का होता है, फरवरी आपकी 28, 29 की, 28 या 29 तारीख की हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारी सेल थी उसको हम एवरेज निकाल देंगे 365 दिनों की। तो 365 दिनों की एवरेज निकालने के लिए इक्वल का निशान एवरेज हम लिखेंगे यहाँ पर, आप एवरेज लिख सकते हो वहाँ से या एवरेज पे डबल क्लिक कर सकते हो। तो जितनी आपकी टर्नओवर थी उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिवाइड यानी कि भाग का जो निशान है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये इतनी सेल है, अगर इसमें 365 का अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पर डे की सेल आ चुकी है, ये आपकी पर डे की सेल, ये आपकी पर मंथ की सेल और ये आपकी पर डे की, ये इस चीज़ को हम बोलते हैं एवरेज। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपेंसेस की डिटेल हो सकती है, मान लीजिए आपने 2500 रुपये अप्रैल मंथ में किया, 3500 रुपये आपने मई मंथ में, 4500 रुपये आपने जून महीने में, इसी तरीके से आपने पर मंथ ये एक्सपेंसेस करे हुए हैं। तो अगर आपको ये बात बोल दीजिए आपने पर मंथ की एवरेज क्या की, यानी कि पर मंथ आपने कितना खर्चा कर दिया, तो सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एल्ट के साथ इक्वल का निशान दबाएंगे, ये हमारे पास आ गया टोटल 61,400 का, यानी कि ये हमने 12 महीने के अंदर ये इतना टोटल एक्सपेंस हमने किया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला एवरेज लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा इक्वल लिखा दो और उसके बाद में उस सेल को आप क्लिक कर दो। आप सेल का एवरेज आप यहाँ पे देखो दिख रहा है C14, अब C14 कहाँ से आए, सी तो ये कॉलम हो गया और यहाँ पर ये 14 नंबर रो होगी, क्योंकि इसका जो टोटल है ये 14 नंबर रो के अंदर है, तो ये C14 इस सेल का एड्रेस हो जाएगा, यानी कि C14 को हम भाग कर देंगे 12 से, तो ये भी एक तरीके का एवरेज ही आ गया, यानी कि ये हमारा पर मंथ की जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 5,116 रुपये और 67 पैसे, ये हमारी एवरेज आ गई महीने की, क्योंकि कुछ महीने के अंदर से आपके एक्सपेंस कम है कुछ में ज़्यादा है, तो ये पर मंथ की एवरेज आ गई। अगर सेम यही तरीका अगर आपको पर डेज का बोला जाए तो पर डेज का हम क्या करेंगे, जितनी हमारे एक्सपेंसिस का टोटल था उसको हम 365 से कर देंगे डिवाइड, तो इक्वल का निशान एक्सपेंसिस का सेल का एड्रेस डिवाइड बाई 365, तो ये आपका 168 रुपये और 22 पैसे पर डेज का खर्चे की एवरेज आपके पास आ रही है।
तो क्योंकि अब ये तो था हमारा एक बेसिक फॉर्मूला, अब आपको जरूरत पड़ती भी है तो बेसिक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बैंक क्या करता है, मान लीजिए आपको कुछ रिपोर्ट्स आया, लेकिन आपसे बैंक ने कुछ रिकॉर्ड मांग लिया आपसे, अगर आपकी कंपनी की अगर कोई लोन बैंक के अंदर चलता है तो बैंक क्या पर मंथ आपसे एवरेज पूछ लेते हैं भी आपकी सेल अभी तक, मान लीजिए जैसे कि सितंबर महीने के अंदर आपने, सितंबर तक आपने 6 महीनों के दौरान इतनी सेल कर दी, तो अब आपकी पर मंथ की सेल की एवरेज क्या रही होगी, तो आप क्या करोगे अप्रैल मंथ से लेके और सितंबर मंथ तक की आप एक बार टोटल लगा लोगे और उसके बाद में डिवाइड कर दोगे 6 मंथ से, उसके बाद आपकी पर मंथ की एवरेज आ जाएगी। अब उससे क्या होगा भी आगे आने वाली जो 6 महीने की जो सेल है, जो अभी अक्टूबर से लेके और 31 मार्च तक की जो है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एज ए एवरेज हम लगा लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपकी 6 महीनों की सेल होगी 1 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं 6 महीनों की सेल है 1 लाख रुपए की, तो अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे भी डिवाइड भाग 6, तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी 16,666.68 रुपये पर मंथ की सेल आ गई, क्योंकि हमने 6 महीने की ली है। तो अब इसी का अकॉर्डिंग मानते हुए मान लीजिए आगे आपकी कोई 10% की और ज़्यादा अगर ग्रोथ होती है, तो हम इसको ये मान के चलेंगे भी आगे आपकी जो सेल है हम 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मान लेते हैं भी आगे आप थोड़ा सा सेल और इंक्रीज होएगा। अब इसको 18,000 को आगे की जो सेल आएगी, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, अब हमें करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना पड़ेगा, तो 18,000 × 6, तो यानी कि इस 18,000 के अनुसार आपकी आगे आने वाली 6 महीने की जो सेल है वो हो जाएगी 1,08,000 रुपये की। अगर हम दोनों सेल को काउंट कर दें भी 1 लाख रुपये की तो सेल हो चुकी है और बैंक मानते भी 1,08,000 रुपये की सेल आपके पास और हो जाएगी, तो हमने दोनों सेल को एक बार प्लस कर दिया, इंटर करेंगे तो टोटल सेल आपकी 2,08,000 आ गई। अब हम इसकी एवरेज निकालते भी पर मंथ की एवरेज क्या आ गई होगी, तो बराबर आप जितनी टोटल सेल है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो अब देखोगे अगर 12 से जैसे हमने डिवाइड कर दिया तो आपकी पर मंथ की एवरेज आ जाएगी यहाँ पर 17,333 रुपये और 33 पैसे। इसी तरीके से आपने मान लीजिए कोई एडवांस टैक्स आकर जमा करवाना है, तो जितनी सेल है मान लीजिए आपका सेल का आपका 4% आप नेट प्रॉफिट है जो जमा कराते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रॉफिट की जो एवरेज है वो निकाल सकते हो भी जितनी आपकी अभी तक 6 महीनों की सेल हो चुकी है। मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया भी आपको एडवांस टैक्स जमा कराना है, तो अब आपको कह दे भी आपको 4% का एवरेज आप जमा कराते हो, तो कितने रुपए का टैक्स आपको अभी तक जमा करवाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मान लीजिए आपके 1,00,000 रुपये की है, हम इसका लाख का 4% निकालेंगे × 400, तो यानी कि 4,000 रुपये का आपका ये आ जाएगा टैक्स आपका। अब मान लीजिए इस टैक्स का आपको एवरेजली जमा कराना है, मान लीजिए इसका आपको 20% 25% 30% जो भी कराना है आपको, तो इक्वल का निशान हम दबाएंगे 4,000 मल्टीप्लाई मान लीजिए आपको 25% जमा कराना है × 25/100, तो यानी कि 1,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप एवरेज निकालोगे भी आपके पर मंथ की या पर डे की टैक्स की एवरेज क्या बनती है, तो 1,000 को आप 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी पर मंथ की एवरेज आ जाएगी। तो इस तरीके से ये बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें एक्सेल के अंदर बहुत सारा मदद करता है हमारा डाटा को एनालिसिस के अंदर, क्योंकि ये काम हमारा सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर हमें केवल डाटा की कैलकुलेशन करके दिखा देगा, आपको टोटल करके दिखा देगा भी आपकी टोटल सेल ये आ चुकी है, तो हम उसको इस डाटा को और ज़्यादा डीपली में एनालिसिस अगर हमें करना हो तब हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सहारा लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको कुछ जरूर नॉलेजेबल लगी होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे।